Hello guys, my name is Viren Singh. Welcome to my channel Smart Learning Academy. In this video tutorial, I am going to discuss about the CSIR questions asked on the population genetics topic basically. In my previous video, I have discussed about the solution of CSIR 16 question and CSIR 15 questions. ठीक है, तो इस वीडियो में जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो CSIR 14 में जो पॉपुलेशन जेनेटिक्स पे क्वेश्चन आया है और CSIR 2013 में. ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट आर दोज क्वेश्चंस एंड हाउ टू सॉल्व देम इजली. एंड यू कैन फाइंड मी ऑन फेसबुक एंड यू कैन फॉलो मी ऑन अनअकैडमी. जहाँ पे अनअकैडमी पे वीडियो डिलीवर करता हूँ, वहाँ पे अपलोड करता हूँ, वहाँ पे देख सकते हैं. अनअकैडमी पे मेरे कई सारे वीडियोज़ हैं. ठीक है, तो वो आप देखिए और वहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगा आपके प्रिपरेशन के लिए. सो लेट्स सी द क्वेश्चंस. क्वेश्चन आस्क्ड इन द CSIR एग्जामिनेशन 2014. तो ये क्वेश्चन कैसा है वो देखते हैं. ठीक है, इस क्वेश्चन के बारे में देखिए तो क्वेश्चन क्या है. इन अ रैंडम सैंपल ऑफ 400 इंडिविजुअल्स फ्रॉम अ पॉपुलेशन विथ एलील्स ऑफ अ ट्रेट इन हार्डी विनबर्ग इक्विबेरियम 36 इंडिविजुअल्स आर होमोजाइगस फॉर एलील ए. 36 इंडिविजुअल्स आर होमोजाइगस फॉर एलील ए. कौन सा ए है? स्मॉल ए, दैट मीन्स रिसेसिव होमोजाइगस. फाइन, एंड हाउ मेनी इंडिविजुअल्स इन द सेम आर एक्सपेक्टेड टू कैरी एटलीस्ट वन एलील कैपिटल ए. ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या किया इन्होंने एलीलिक फ्रिक्वेंसी की बात नहीं की. इसमें आपने आपको जो पूछा है कि वो होमोजाइगस रिसेसिव दिया है और हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस डोमिनेंट के बारे में पूछा है. सो लेट्स सी व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड हाउ टू सॉल्व देम ईजली. आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट टू अल्टरनेटिव मेथड्स कि इस क्वेश्चन को दो अलग तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, सो लेट्स सी द सॉल्यूशन. ठीक है, तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. सॉल्यूशन की बात करें तो पॉपुलेशन साइज उन्होंने दिया था. फर्स्ट मेथड हम देखते हैं कि फर्स्ट मेथड में हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, पॉपुलेशन साइज इज 400. तो होमोजाइगस फॉर एलील ए, ठीक है, यानी कि स्मॉल ए की नंबर कितना है? 36. देन हाउ टू कैलकुलेट क्यू स्क्वायर कैलकुलेट करिए. 36 डिवाइडेड बाई 400, देन यू विल गेट 0.09. ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ क्यू स्क्वायर, दैट इज रिसेसिव होमोजाइगस जीनोटिपिक फ्रिक्वेंसी. देन इफ क्यू स्क्वायर वैल्यू इज 0.09, देन वॉट इज द वैल्यू ऑफ क्यू? आप अंडर रूट ले लीजिए तो क्या हो जाएगा? क्यू की वैल्यू 0.3. ठीक है, 0.3 हो जाएगा. एंड देन उसके बाद यू विल नो, आप जानते हैं कि हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल से पी प्लस क्यू इक्वल टू 1. ये तो आपको पता होगा कि जो एलिलिक फ्रिक्वेंसी की वैल्यू होती है वो 1 होती है. तो यहाँ से पी इक्वल टू 1 माइनस क्यू, क्यू की वैल्यू पुटअप करेंगे, यू विल गेट द पी. इफ यू अगर आपको पी पता चल गया तो हाउ कैन यू कैलकुलेट द पी स्क्वायर? जस्ट मल्टीप्लाई पी इंटू पी, देन यू विल गेट द पी स्क्वायर रिसेस डोमिनेंट होमोजाइगस कंडीशन, दैट इज 0.49. आप कैलकुलेट करेंगे तो 0.49 आ जाएगा. ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या करना है? 2PQ कैलकुलेट कर लीजिए. आपको P भी पता है, Q भी पता है, देन यू विल गेट द 2PQ. बस 2 इंटू पी इंटू क्यू करेंगे, 2 इंटू 0.7 इंटू 0.3 विल गेट द 2PQ, दैट इज 0.42. ऐड करिए दोनों को. आपको पूछा क्या था कि जिसमें एटलीस्ट A आए, एक A आए कम से कम, मतलब P स्क्वायर में क्या है? P स्क्वायर में भी दोनों A होगा, कैपिटल A, और 2PQ में क्या होगा? एक कैपिटल A, एक स्मॉल A. तो दोनों का केस क्या होगा? दोनों के केस में है कि दोनों आएंगे, तो दोनों को ऐड करिए. ऐड करने के बाद यू विल गेट द नंबर 0.91. ठीक है, 0.91 मल्टीप्लाई कर दीजिए टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन साइज से, यू विल गेट द नंबर ऑफ पॉपुलेशन दैट विल हैव एटलीस्ट वन कैपिटल A एलील. ठीक है, 364. ठीक है, तो ये पहला मेथड था. हम दूसरा मेथड देखते हैं उससे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को. दूसरा मेथड इज लाइक पूछा इन्होंने कि इंडिविजुअल्स कम्स एटलीस्ट वन एलील, कम से कम एक एलील होना चाहिए. एटलीस्ट का मतलब है कम से कम, मतलब एक तो होना ही चाहिए. तो एक तो आपको हेट्रोजाइगस में भी आता है, होमोजाइगस में दो ए आ जाते हैं, तो उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. एटलीस्ट एक बोला है.
एटमोस्ट बोलता तो आपका क्या होता, सिर्फ हेटरोजाइगस आता, ठीक है। तो इस केस में अगर हेटरोजाइगस है तो वहाँ पे क्या होता है, टू पी क्यू, अगर होमोजाइगस डोमिनेंट है तो वहाँ पे पी स्क्वायर होता है, ठीक है। आपको पता है कि जो टोटल पॉपुलेशन होता है, जो टोटल पॉपुलेशन होता है वो क्या होता है कि होमोजाइगस डोमिनेंट प्लस हेटरोजाइगस प्लस क्या होगा आपका, प्लस हो जाएगा आपका होमोजाइगस रिसेसिव, ठीक है। तो आप इसको ऐड कर दीजिए, आपको होमोजाइगस रिसेसिव पता है, आपको इन दोनों को निकालना है एक साथ, पी स्क्वायर प्लस टू पी क्यू, ए ए प्लस ए स्मॉल ए, ठीक है, ये निकालना है। क्यू स्क्वायर आपको दिया है क्वेश्चन में, कितना दिया था, 36 दिया हुआ है ऑलरेडी, 36 को टोटल से माइनस कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर फॉर दिस, ठीक है। तो एक क्वेश्चन में आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हो, क्या कर सकते हो कि आप सीधे के सीधे टोटल पॉपुलेशन से क्यू स्क्वायर माइनस कर दीजिए, आपको बाकी दोनों का पता चल जाएगा, या आप फ्रिक्वेंसी निकाल लीजिए, आप फ्रिक्वेंसी निकाल के पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर का फिर टोटल में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको तब भी आंसर मिल जाएगा। तो दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को, जो भी आपको सूटेबल लगता है उस मेथड को फॉलो करिए और उससे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, आंसर जो होगा वो वेरी नहीं करेगा, दोनों केस में क्या आएगा, 364, ठीक है। तो हम मूव करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था CSIR 2013 में। इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या था कि द फॉलोइंग जीनोटाइप वेयर ऑब्जर्व्ड इन अ पॉपुलेशन, ठीक है, एक पॉपुलेशन में उन्होंने जीनोटाइप ऑब्जर्व किया, कैपिटल एच दैट इज डोमिनेंट होमोजाइगस, नंबर इज 90, कैपिटल एच स्मॉल एच हेटरोजाइगस, नंबर इज 60, एंड फॉर द होमोजाइगस रिसेसिव दैट इज स्मॉल एच, नंबर इज 50, ठीक है। द नेक्स्ट उन्होंने क्या पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फ्रिक्वेंसी ऑफ एच एलील एंड वॉट विल बी द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डोमिनेंट होमोजाइगस इन द गिवन पॉपुलेशन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो हम देखते हैं। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। इन्होंने क्या किया था कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ था कि आपको होमोजाइगस डोमिनेंट का नंबर कितना है, 90 है, एंड होमोजाइगस रिसेसिव का नंबर 50 है, हेटरोजाइगस कंडीशन का नंबर जो है वो 60 है। तो आपको क्या करना है, फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, ठीक है, फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, कौन सी, जैसे कि मैं पहले प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें आपको एलेलिक फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करना हो उसमें आप सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, जीनोटिपिक फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो जीनोटिपिक फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करिए, आपको डोमिनेंट दिया है तो डोमिनेंट को टोटल से डिवाइड करिए, 90 डिवाइडेड बाई 200, टोटल पॉपुलेशन कितना होगा, 90 60 150 प्लस 150 प्लस, तो क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा ये। और आपको जीनोटिपिक जब आप डोमिनेंट के लिए निकालेंगे जीनोटिपिक तो 90 अपॉन 200, जब आप हेट्रोजीनस के लिए निकालेंगे, ठीक है, डोमिनेंट के लिए आपका 90 अपॉन 200, हेट्रोजीनस के लिए क्या हो जाएगा, 60 अपॉन 200, और जो आपका रिसेसिव होमोजाइगस है, ठीक है, उसके लिए क्या हो जाएगा, 50 अपॉन 200, क्लियर है। तो आपको एलिलिक फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करना है, क्या, किसका, एच, कैपिटल एच का, दैट मीन्स कि आपको डोमिनेंट एलील का फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करना है, डोमिनेंट एलील का फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करना है। तो आपको यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्रिक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट होमोजाइगस जीनोटिपिक फ्रिक्वेंसी, ठीक है, हाफ ऑफ द हेट्रोजाइगस फ्रिक्वेंसी। तो इसका आपका 90 अपॉन 200 प्लस हाफ ऑफ द हेटरोजाइगस फ्रिक्वेंसी विल गेट 120 अपॉन 200, इसको कैलकुलेट करेंगे 0.6, ठीक है। और एक्सपेक्टेड की बात करें तो आपको एक्सपेक्टेड इसमें पूछा था, एक जनरल एक्सपेक्टेड, अगर आपके पास ऑप्शंस आप देखें इस क्वेश्चन में, अगर ऑप्शंस देखें तो 0.6 जो है वो सिर्फ एक ऑप्शन में है, ठीक है, तो 0.6 से ही आपको क्वेश्चन लगा सकते हैं, आपको एक्सपेक्टेड पे जाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 0.6, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन जो कि CSIR 2013 में पूछा गया था, ठीक। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स, अगर आपका कोई क्वेरीज या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए या डायरेक्ट मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली है तो आप इस वीडियो को और भी शेयर करिए ताकि उनको भी हेल्प मिल सके, जो कि कोचिंग्स या जो बड़े बड़े फीस होते हैं उन दे नहीं पाते और अफोर्ड नहीं कर पाते, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।